Decoding YT सिर्फ 9 videos में 33 के subscribers, Step Grow 8 videos में 26 के subscribers, Exam Break 15 videos में 12 के subscribers, भाई ये क्या हो रहा है? और अभी तो रुको और ये देखो, Decoding YT का first video 74k views, 236k और recent video में तो 3 लाख से ऊपर views है। उसी तरह Step Grow के first video पे 246k views और एक video में तो 7 लाख से ज्यादा views है और Exam Break के second video पे तो 4 लाख से ज्यादा views है। क्या ये तीनों कोई genius है या फिर ये बस इनका luck? मैंने इन तीनों channels को अच्छे से analyze किया और मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि ये तीनों channels में common है, या यूं कहूं तीनों channels अपने videos पे use कर रहे हैं जिनके वजह से मुझे लगता है इनके इतने सारे व्यूज आ रहे हैं। एनालाइज करके मुझे वैसे तो 4 पॉइंट्स मिले, लेकिन थर्ड वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना। पॉइंट नंबर 1, यूज ऑफ नॉन एंटिटी। अगर तुम एल्गो के सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें ये पॉइंट पहले से पता होगा कि कैसे बड़े यूट्यूबर का नाम स्मार्टली यूज करने से बेनिफिट मिलता है। वैसे ही इन तीनों ने स्मार्टली एल्गो का नाम अपने वीडियो पे यूज किया। पॉइंट नंबर 2, परफेक्ट इंट्रो हुक। पहले तुम ये दो क्लिप्स देखो। दोनों क्लिप्स में इंट्रो पे ही क्वेश्चन पूछा या फिर रिलेटेबल प्रॉब्लम के बारे में बात किया जिसके वजह से ऑडियंस इंट्रो पे ही हुक हो गए। लेकिन वेट, क्या सिर्फ इंट्रो हुक से ही काम बन जाएगा? एक्चुअली नो, परफेक्ट इंट्रो के साथ एक परफेक्ट वीडियो एडिटिंग भी चाहिए जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। तुम ये सोच रहे हो कि मैंने ब्रैकेट में मोबाइल क्यों लिखा, भाई असल में सब कुछ तो इसी में है। चलो मैं तुम्हें एक फोटो से समझाता हूँ। जब हम कोई पीसी एडिटिंग वाला वीडियो देखते हैं वो हमें अच्छा तो लगता है लेकिन हम उससे ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि ज्यादातर बिगिनर क्रिएटर के पास पीसी नहीं होती है। लेकिन जब तुम्हें पता लगता है कि ये तीनों अपने वीडियोस की खतरनाक वाली एडिटिंग मोबाइल से ही करते हैं तब ऑडियंस बहुत ही ज्यादा रिलेट करती है। और अगर तुम इनके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो 70-80% कमेंट तुम्हें वीडियो एडिटिंग मस्त है ये कहते हुए देखने को मिलेंगे। एक परफेक्ट इंट्रो और एक परफेक्ट एडिटिंग के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि कतई हम मिस नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, कैची थंबनेल। इस पॉइंट में मैंने दो चीजें ऑब्जर्व किया। नंबर 1, ट्रिगर्ड इमोशन। तुम ये तीनों थंबनेल को देखो, इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ये ऑडियंस के इमोशन से खेल रहे हैं। तीनों थंबनेल में मोबाइल वर्ड का यूज किया है जो कि मैंने थर्ड पॉइंट में बताया है जो कि कैसे इमोशन को ट्रिगर करता है। नंबर 2, लास्ट एलिमेंट्स। तुम इनके कोई भी थंबनेल देखो, इनके थंबनेल में 3 से 4 वर्ड से ज्यादा नहीं होंगे और एक दो एलिमेंट्स होंगे जो कि लिखे हुए टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं जिससे ऑडियंस को उनके वीडियो पर क्लिक करने के लिए एक सॉलिड रीजन मिल जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और कोई सजेशन हो तो वो भी बता देना।